पिछले 4 राज्यों में शानदार जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी में जोश उफान पर है। आज नवी मुंबई बीजेपी के उत्तर प्रदेश सेल के अध्यक्ष मार्कंडे केवट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पावने में जलोश किया और मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जमकर जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में बंपर जीत पर बीजेपी जश्न मना रही है। आज नवी मुंबई के पावने में बीजेपी उत्तर प्रदेश सेल के अध्यक्ष मार्कंडे केवट हरिओम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। कार्यक्रम में साहित्य कर्मी अरविंद राही, उभा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय और वरिष्ठ नेता वसंत सुतार समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यूपी में योगी की जीत बीजेपी के विकास और जनता के विश्वास का प्रतीक है। ऐसे ही जीत नवी मुंबई और महाराष्ट्र में भी दोहराई जाएगी। सबसे पहले तो मैं 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्चे अर्थों में देखें तो सबसे बड़ी शुभकामना का अगर कोई हकदार है तो हमारा है भारतीय जनमानस, जो लोकतंत्र के लिए कटिबद्ध है। तमाम विश्लेषक, तमाम राजनीतिक पंडित अपना अपना गणित बुरा भाग लगाते हैं, लेकिन ये हमारा मतदाता है जो अब इतना परिपक्व हो चुका है कि जो नए नरेशन गढ़ने की स्थिति में आ गया है। आज वो देख रहा है कि वो अपने नारे खुद बढ़ रहा है, वो देख रहा है कि विकास किस तरह से चल रहा है, उसकी चाल क्या है और उस तक कैसे डिलीवर हो रहा है, कैसे पहुँच रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ ये हमको देखने को मिली कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं, किस तरह से राज्य सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, उसके आधार पर मतदान हुआ है और वो मतदाता की परिपक्वता को दर्शा रहा है। हमारा लोकतंत्र तो मजबूत होकर उभरा है और ये आश्वस्त करता है आने वाले समय में कि और मजबूत होगा। और अब कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, अब पार्टियों को काम करना पड़ेगा। जो काम करेंगे, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कार्यकारी योजनाएं, अपनी जो सेवाभावी योजनाएं हैं, अगर उसको पहुँचाने में उसको सक्षम होगा वही टिकेगा, अन्यथा अब राजनीति करवट ले चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ले रही, ले चुकी है। अब विकास होगा तो वोट पड़ेगा, अब जातिवाद पर, भाषावाद पर, अन्य मुद्दों पर वोट नहीं बनने वाला है। तो सभी पार्टियों के लिए नसीहत भी है कि आप संभल जाइए, आप लोगों के हिसाब से अपनी राजनीति शुरू करिए, राजनीति के हिसाब से लोग नहीं ढलेंगे। अब ये परिवर्तन आ रहा है। हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है। ये हमारे मोदी और योगी जी के जो कार्य है कि सबका साथ सबका विकास, उसकी देन है। मैं तो यही बोलूँगा, उत्तर प्रदेश तो झाकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है, नई मुंबई के चुनाव में भी ये असर दिखेगा। मैं सभी उत्तर प्रदेश के जो वोटर मोदी जी और योगी जी का साथ दिया है उनको लाख लाख बधाई देता हूँ और ऐसे ही उनका मार्गदर्शन में ये सब लोग सहयोग करते रहें। और यहाँ पे हमारे पूर्व पालक मंत्री माननीय श्री गणेश जी के नाइक के नेतृत्व में हम लोग महानगर पालिका भी पूर्ण बहुमत से जो है कि जीत कर दिखाएंगे। ये हम सबका नारा है, सबका साथ सबका विकास। ज्या प्रमाणे मोदीजींनी जे काम केलेलं आहे आणि योगीजींनी जी साथ दिलेली आहे बीजेपीला, कारण कसं आहे त्याच्यामध्ये महिलांसाठी सगळ्यात पहिले अर्धी जनता येते महिलांमध्ये आणि महिला सुरक्षित आहे, यूपी सुरक्षित आहे, म्हणूनच एवढं मोठं वोट मिळालेलं आहे यूपी। आणि याच्यामुळे जो आपल्याला हे मिळालेलं आहे, बीजेपी जेवढं विजयी झालेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये नक्की 100% त्याच्यावर परिणाम पडणार आहे आणि तसंही महाराष्ट्रामध्ये हे बीजेपी जिंकणार आहे फडणवीस साहेबांच्या अंडर मध्ये। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।